मैच कल्याण अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, करो। छात्रों का निष्कासन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। समाज कल्याण अधिकारी के विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हैं। हम बताना चाहते हैं कि 12 सितंबर को सोनभद्र में मुख्यमंत्री जी का आगमन था और राजकीय आश्रम पद्धत के छात्रों ने अपनी आवाज़ को उठाया कि हम यहाँ पे हमको भोजन नहीं मिलता है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों से नालियाँ साफ कराई जाती हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उस पर लाठियाँ भाजी और छात्रों कितने छात्र चोटिल हुए, और हम लोगों को पता चला कि समाज कल्याण अधिकारी ने 14 छात्रों को नोटिस थमा दिया कि आप लोगों का विद्यालय आना वर्जित कर दिया गया है। हम बताना चाहते हैं समाज कल्याण अधिकारी महोदय जी को कि ज्ञान का मंदिर होता है, कोर्ट कचहरी नहीं होता है स्कूल विद्यालय, जो आप जाने से किसी को रोक दें। बोर्ड का परीक्षा चल रहा है और 14 छात्रों को नोटिस थमा दिया गया, ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता आज समाज कल्याण अधिकारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम चेतावनी देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि अगर 2 दिन के अंदर निलंबन वापस नहीं लिया गया तो पूरे विद्यालय को बंद करा के पूरे छात्र समाज कल्याण अधिकारी के विरोध में चक्का जाम करेंगे। क्या उस दिन मुख्यमंत्री आए थे इस वजह से अनुशासनहीनता हो गई, या उन लोग को खाना नहीं मिल रहा था इसके लिए प्रदर्शन किया, वो अनुशासनहीनता है? आज सपा वाले भी प्रदर्शन किए हैं और आपके खिलाफ यहीं पे कि अगर जो है उनको तत्काल वापस नहीं लिया जाता तो रोड जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, तो उसको कितना गंभीरता से ले रहे हैं। और बच्चों, देखिए बच्चों को अनुशासित रहने के लिए किया गया है और उसके प्रति कोई और भावना नहीं है। नहीं, वही बच्चे लाठी भी खाए, वही बच्चे फिर बच्चों को लाठी नहीं, कभी उस दिन भी लाठी नहीं चली थी। बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ऐसा थोड़े।